पहला है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जब आपकी घुटने तक की ऊंचाई या नरमंजरी आने वाली होती है तो आपको एक बैग यूरिया प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है और आपको पौधे की बिल्कुल पास में डालना होता है। तो उससे क्या होगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के काम आएगा। जब आप दूसरी यूरिया की डोज दें या तो उस समय आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, और मिट्टी आप यूरिया देने के बाद चढ़ाएं, नहीं कि यूरिया देने के पहले चढ़ाएं। अपने आपकी फसल में जो 20 से 30 दिन की हो चुकी है या उससे ज़्यादा दिन की भी है, तो उसमें क्या है कि आपको या तो आप हाथ से खरपतवारों को निकाल सकते हैं, दूसरा आप जो कुल्फा चला के या आप जो ट्रैक्टर चलित यंत्र भी आ रहे हैं उनको आप दो पंक्तियों के बीच में निकाल के उससे निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार नाशी आए हैं जो मक्का में हाल ही के कुछ सालों के अंदर खड़ी मक्का के अंदर हम छिड़काव कर सकते हैं। उनमें प्रमुख है आपका टेम्बोट्रिन जो लोडिस के नाम से आता है, उसको आपको 115 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में डाल के आप खड़ी मक्का में 20 से 30 या 20 से 35 या 40 दिन तक आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। सर उसका एक और ऑप्शन है, उसका नाम है टिंजर जो टोप्रामेजोन है, और वो आपका 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। जिन क्षेत्रों के अंदर जल भराव की समस्या होती है वहाँ पे आप अगर मक्का के अंदर इस खड़ी फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं तो एक लाभदायक रहता है। जो मिट्टी चढ़ाने वाली जो नालियाँ बनती है वो आपका जल संरक्षण का काम भी करती है, दूसरा आपका जल निकास का काम भी करती है। इस समय जो फॉल आर्मवर्म करके एक कीड़ा आया है, जो पहले हमें पहचानना है कि आपके खेत में आया है कि नहीं आया है, तो उसके लिए आपको खेत के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से आपको फसल बिल्कुल शेफ दिखेगी, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो उसका जो एक्सक्रीटा होता है वो आपको पौधे का जो गोब होता है उसके केंद्र भाग में जहाँ वहाँ पर आपको दिखाई देगी। उससे जस्ट पहले आपको ये और देखना है कि बहुत छोटे छोटे फॉल आर्मवर्म होते हैं जो उसके कीड़े होते हैं वो आपकी खुरचन करते हैं पत्तियों पे। जब खुरचन करने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद करके धारियाँ बन जाती है। जब ये धारियाँ बनती है अगर उस समय हम किसी प्रबंधन का काम करते हैं तो क्या होता है कि उस कीड़े को आसानी से मारा जा सकता है। वो कीड़ा बहुत छोटा होता है, कभी कभी हम देख भी नहीं पाते हैं उसको, तो उस समय हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा, जब उसके अंदर पत्तियां जब बहुत ज़्यादा दिन तक खाने लगता है, ये लगभग 15 से 16 दिन तक इसका जीवन चक्र रहता है कीड़े का, मतलब जो लट खाती है उसका, तो 7-8 या 10 दिन तक जब ये कीड़ा होता है उस समय आपको पत्तियों पे छेद भी दिखाई देते हैं। जो नई पत्तियाँ निकलती है उनके ऊपर पुरानी पत्तियों पर छेद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भी नई पत्ती रहती है उनको खाता है। इसको आपको दिन में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये कीड़ा दिन के अंदर आपके पौधे की गोब के अंदर छुपा रहता है, ठीक है। उसके बाद रात के अंदर निकलता है जब भी तापमान कम होता है, और रात के अंदर खा के वापस दिन में सुबह होते ही वो सूरज निकलते के साथ ही ऐसे समझिए कि वो उस गोब के अंदर जाके छुप जाता है, तो आप इसको देख नहीं पाते। थोड़ा अगर छेद वगैरह की अवस्था आ गई तो उस अवस्था पे केवल एक पौधे पे एक कीड़ा ही रहता है। आपको पहले खेत पे देखना है आपके अंदर फॉल आर्मवर्म है कि नहीं है, अगर वो है तो उसके बाद ही आपको छिड़काव करना है। छिड़काव में भी यह है कि पूरे खेत के अंदर यह है तो आपको पूरे खेत के अंदर छिड़काव करना है। दूसरा, अगर जगह जगह है तो आपको एक सर्जिकल वाला करना है, जहाँ जहाँ पे हैं जिस जिस पौधे के अंदर हैं आप वहीं पे आपका ये पेस्टिसाइड डालें। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जब भी आपकी फसल बोते हैं तो उसके अंदर फिरामोन ट्रैप्स आते हैं, वो फिरामोन ट्रैप लगा सकते हैं। आपको 8 फिरामोन ट्रैप एक एकड़ के लगाने होते हैं। दूसरा है कि आपका जो जैविक नियंत्रण है, जो नीम बेस्ड NSK ही होता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या एजाडेक्टिन का 1500 ppm के सॉल्यूशन का 10 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं। कुछ जो कीटनाशी है उनमें इमामेक्टिन बेंजोएट है जो 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या आप क्लोरेंट्रानिपोल जो 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, इसके साथ हम और भी हैं जिसको स्पिनोटेरम है उसको 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक कीटनाशी उसको बार बार बदल के, जैसे आपकी पहली अवस्था के ऊपर जब कीड़ा आया है उस समय आपने छिड़काव किया इमामेक्टिन बेंजोइड का, ठीक है। इमामेक्टिन बेंजोइड का जो छिड़काव करना है वो आपका हमेशा जो आप जो भी स्प्रे पंप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कट नोजल का प्रयोग करें, और कट नोजल का प्रयोग करके पौधे के जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर आपको डालना है। तो आप जब 10 दिन बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे बीज के पौधे की जो पत्तियां हैं उनके अंदर अगर कीट का एक्सक्रीटा है, मलमूत्र है, या फिर उसका पत्तियों में छेद है, तो
तो आप दूसरी बार क्लोरेंट्राइनिपोल का छिड़काव करें, और अगर तीसरी बार जरूरत पड़ रही है तो आप स्पिनोटेरम का छिड़काव करें, तो इसका फॉल आर्मी वर्म का नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं।